हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर सिक्स क्या कह रहा है आपको इफ वाई हमारे पास गिवेन हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होती है जो सबसे लास्ट की सबसे लीस्ट और सबसे मैक्स मतलब की सबसे जो एक इंटरवल होता है जिसमें ये वाई की वैल्यू जो है सेटिसफाई करती है, वो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है ना लोवेस्ट एंड हाइएस्ट तो एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास गिवन है और एक्सट्रीम वैल्यूज वो होती है जिसके ऊपर हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है जीरो होता है तो सबसे पहले गिवन वैल्यू देखो फंक्शन की वाई इक्वल्स टू ए ठीक है 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 सबसे पहले क्या क्या करेंगे इसका? Upon करेंगे इसका कि इसको A का 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 होता होता कितना हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी एक चीज डोमेन ऑफ एफ क्या होगा आपके पास बताओ डोमेन ऑफ एफ क्या होगा आपके पास ऑल रियल नंबर है ना ऑल रियल नंबर बट अब यहां देखना आप x इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्स क्या है बस जीरो नहीं होगा बाकी सारे के सारे रियल नंबर हो सकता है ठीक है वाई निकल गया अब देखो हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमें पता है फॉर एक्सट्रीम जो y dash होता है वो कितना होता है जीरो होता है तो रख दो अगर वाई डैश आपके पास जीरो के लिए सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू वन मान लेते हैं एट एक्स इक्वल टू एट सबसे पहले एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन के लिए एक्सट्रीम वैल्यू देखेंगे जीरो ए मल्टीप्लाई वन अपॉन वन हो गया ये माइनस वन मतलब प्लस बी टू एक्स की वैल्यू फिर माइनस वन फिर प्लस वन ये नेगेटिव ए हो गया ये नेगेटिव टू बी हो गया और ये प्लस वन हो गया ठीक है वन उधर चल जाएगा आपके पास नेक्स टू नेगेटिव ए नेगेटिव टू बी कैंसल आउट हो जाएगा तो वन इक्वल्स टू ए प्लस टू बी ये आपके पास एक क्या हो गई इक्वेशन हो गई है ना सेकेंड देखना At x equals to 2 पर देखो जीरो मल्टीप्लाई वन अपॉन टू प्लस बी टू एक्स की वैल्यू फिर एल्शियम ले लो और टू को वहां भेज दो ए प्लस एट बी प्लस टू अपॉन टू उधर जाएगा ए प्लस एट बी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो और ए प्लस एट इक्वल्स टू ने अब इन दो इक्वेशंस को देखना आप फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए प्लस टू बी इक्वल टू बी इक्वल्स टू वन ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दूसरी क्या है ए प्लस एट बी इन दोनों क्या कर देते हैं अपन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू इसमें से है ना 1 प्लस एट तो टू नेगेटिव टू और यहां हो जाएंगे. 8 प्लस टू गया टू वन सबसे माइनस माइनस प्लस माइनस का थ्री तो b का वैल्यू कितना हो गया माइनस थ्री अपॉन सिक्स यानी b का वैल्यू हो गया माइनस का हाफ अब क्या करें अपन b इक्वल्स टू माइनस हाफ को अपन पुट कर देते हैं इन इक्वेशन वन ए प्लस टू बी की वैल्यू माइनस हाफ इक्वल्स टू वन टू से टू कैंसल आउट ए माइनस वन इक्वल्स टू वन ए का वैल्यू हो गया तो आपको वैल्यूज निकालनी थी तो ए का वैल्यू हो गया हमारे पास टू एंड बी का वैल्यू हो गया हमारे पास हाफ क्लियर है सो दिस इज कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर सिक्स